बाकी बिहारी जी के दर्शन करने के बाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन और आप देख रहे हैं 1984 मैच। तो आज मैं हूं वृंदावन में और आज मैं आपको वृंदावन घुमाने वाला हूं। अभी मैं हूं बाकी बिहारी जी के मंदिर के पास, तो चलिए आपको बाकी बिहारी जी के दर्शन कराता हूं, उसके बाद राधा वल्लभ जी के दर्शन कराता हूं। तो चलिए चलते हैं बाकी बिहारी जी के मंदिर। मैं सुबह सुबह जा रहा हूं बाकी बिहारी जी के मंदिर दर्शन करने के लिए। अभी टाइम हो रहा है 6:30, तो अभी भीड़ कम होगी, इसीलिए सुबह सुबह ही उठ के दर्शन करने जा रहा हूं, क्योंकि 8 बजे के बाद भीड़ बढ़ने लगती है। ये 3 नंबर गेट, 3 नंबर गेट से ये मंदिर जाएंगे दर्शन के लिए। जब मैं बिहारी जी के मंदिर के पास पहुंचा, तो यहां कुछ और ही नज़ारा देखने को मिला। मुझे लगा था कि आज मैं सबसे पहले बिहारी जी के दर्शन करूंगा, लेकिन मेरा पोपट हो गया। मंदिर के बाहर हजारों भक्त पहले ही से आके खड़े थे और मंदिर का दरवाजा अभी बंद था। लोकल लोगों से पता किया तो पता चला कि बिहारी जी के मंदिर का दरवाजा सुबह 7:30 बजे से 8 बजे के बीच में खोला जाता है। अब आपकी मर्जी है तो आप मंदिर के बाहर सुबह 4 बजे से आकर खड़े रहो, लेकिन मंदिर का दरवाजा सुबह 7:30 बजे से 8 बजे के बीच ही भक्तों के लिए खोला जाता है, तो सुबह जाने का कोई फायदा नहीं है। आप दर्शन के लिए 7:30 बजे से 8 बजे के बीच में ही जाएं। अभी मंदिर खुलने में काफी वक्त था, तो मैं पहुंच जाता हूं 1 नंबर गेट के पास। वैसे मंदिर के 3 गेट हैं, लेकिन भीड़ काफी होने की वजह से मैं 1 नंबर गेट के पास जाकर खड़ा हो जाता हूँ, एक छोटी सी मिठाई के दुकान के बाहर। वहीं पे फूल भी बेचा जा रहा था। 1 नंबर गेट के पास मैंने देखा कि बहुत सारे भक्त बिहारी जी के दर्शन करने के लिए अंदर जा रहे थे, तो मैंने पता किया तो पता चला कि 1 नंबर गेट से वही भक्त अंदर जाते हैं दर्शन के लिए जो 500 रुपए दर्शन के देते हैं, जिसे VIP दर्शन कहा जाता है। और आप VIP दर्शन सुबह 5 बजे से लेकर 7:30 बजे तक कर सकते हैं, जब तक आम जनता के लिए मंदिर खुल नहीं जाता। अगर आपको बिहारी जी के VIP दर्शन करने हो तो सुबह 5 बजे से 7:30 बजे के बीच 1 नंबर गेट के पास चले जाइएगा, आपके दर्शन का इंतजाम यहाँ के फूल वाले और मिठाई वाले कर देंगे। आप उनसे सिर्फ बोलिएगा कि हमें VIP दर्शन करना है। लगभग 2 घंटे के इंतजार के बाद बिहारी जी के मंदिर का दरवाजा खोल दिया जाता है दर्शन के लिए, और हम भीड़ में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और बिहारी जी के दर्शन करते हैं। आराम से आपको प्राचीन राधा मदन मोहन जी महाराज के मंदिर के दर्शन कराता हूँ। बाकी बिहारी जी के दर्शन करने के बाद मैं पहुँचता हूँ श्री श्री राधा मदन मोहन जी महाराज के मंदिर। यह मंदिर वास्तुकला के नागर शैली में बनवाया गया है। यह यमुना नदी के किनारे कालिया घाट के पास 50 फीट की ऊंचाई पर बनवाया गया है। वृंदावन में श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर लगभग 500 वर्ष पुराना है। यह माना जाता है कि इसका निर्माण कृष्ण के परपौत्र व्रजनाभ ने करवाया था। यह वृंदावन के सबसे पुराने और
अत्यधिक पूजनीय मंदिरों में से एक है। मंदिर के मुख्य देवता मदन मोहन जी हैं, जो भगवान कृष्ण का एक रूप है। चलिए आपको राधा वल्लभ जी के दर्शन कराते हैं। यह है राधा वल्लभ जी का गेट, श्री राधा वल्लभ जी मंदिर। Yeah.
करता हूँ कि आपने राधा वल्लभ जी के भी दर्शन अच्छे से कर लिए होंगे। तो वृंदावन की यात्रा यहीं पे समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो में, एक नई जगह पे। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, राधे राधे।